हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना व्लॉग 3 बजे से चालू कर रही हूँ और आज हम लोग को जाना है छठ घाट पर। आजू बाजू के आंटी लोग करती हैं तो वही जाना है, तो आप लोग से मैं रेडी होंगी। 4 बजे निकलना है तो अभी 3 बज रहा है, तो फिर मैं आप लोग से रेडी वेडी होने के बाद मिलूँगी। और जितने भी व्रत करने वाले लोग हैं, मेरे मायके में भी होता था पर इस बार नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी भतीजी हुई है, तो बोलते हैं ना छुटका में नहीं करते हैं, तो अभी 6 ही दिन हुआ है तो इसके लिए नहीं हो रहा है। और बाकी मेरे मामी, मेरी दीदी सब लोग कर रहे हैं तो, और सब लोग दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। और मैं भी घाट पर जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी क्या कैसे होता है। तो पिछली बार तो छत पर हुआ था, तो पिछला व्लॉग आप लोग जाकर मेरे छठ पूजा का देख लीजिएगा, मैंने दिखाया है आप लोग को। तो और इस बार घाट पर का दिखाऊंगी आप लोग को, और मैं रेडी होकर आप लोग से मिलती हूँ। मैं जाऊंगी, मेरी सासू माँ जाएंगे तो आप लोग से मैं मिलती हूँ रेडी होकर। बाय बाय। तो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं। देखिए, मैं ये वाली ये साड़ी अपनी मैं 1 साल बाद पहन रही हूँ, 1 साल नहीं 10 महीने बाद पहन रही हूँ। ये मैं अपने, ये पिछले साल मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ में दिलवाया था तो उसमें पहना था, और एक बार अपने भाई के जिस मिट्टी कोड़ने जाती हूँ उसमें पहना था मैंने, और ये मैं 3री बार पहन रही हूँ साड़ी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी आप लोग बताइएगा जरूर। और मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, एंजल मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, तो हम लोग अभी निकलेंगे। तो चलिए, आप लोग से मैं छठ रास्ते में मिलूँगी। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और ये रिजेंसी की जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर से हम जा रहे हैं। इस साल इधर ना नया घाट बना हुआ है, अपने पुराने वाले घाट पर नहीं जा रहे हैं। और मैं स्लीपर नहीं पहनती हूँ, मैं ऐसे खाली पैर ही जाती हूँ। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मम्मी करती थी, तो मम्मी के साथ साथ सब करवाना रहता था तो मैं चप्पल नहीं पहनती थी। और दरवाजे से ही गाड़ी पापा किए रहते, देख लीजिए मैं चप्पल नहीं पहनी हूँ, और तो वही अपना मैं खाली पैर सब अपना खा पी रहे थे अच्छे से। और इस वीडियो में मैं मेरी मामी, सॉरी मेरी दीदी का भी है, देखो हम लोग हाथों पर बैठ चुके हैं और इस वीडियो में मैं अपने इलाहाबाद में मेरी दीदी रहती हूँ, तो बड़ी दीदी और मझली दीदी दोनों जने एक साथ ही थे। मेरी बड़ी दीदी पहली बार उठाई है पर, तो उन लोग का भी मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा। देखिए सूर्य डूबने की जगह डूबने जा रहे हैं, और इस बार मैं भी उठाने वाली थी तो मेरी तबीयत खराब हुई, तो सब लोगों ने मना कर दिया। बैठने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नया घाट बनाया गया है तो मिट्टी घसक रही थी बैठी हुई, मिट्टी में देख लीजिए पीछे उठा हुआ है। नाम क्या है? फिर देखिए हम लोग घाट पर से वापस आकर हम लोग देखिए गाना गाते हुए आ रहे हैं। ये ब्लू कलर का सूट पहनी तिवारी आंटी है, पीछे बहू हैं और गाना गाते हम लोग आ रहे हैं। Oh,
फिर ये देखिए मेरी इलाहाबाद वाली दीदी है, ये इलाहाबाद की दीदी है पिंकल साड़ी पहने हुए, ये मेरी बड़ी सबसे बड़ी दीदी, हम सब बहनों में सबसे बड़ी दीदी है। फिर दूसरे नंबर की ये बीच वाली रेड साड़ी वाली दीदी है। तो ये इलाहाबाद का घाट है, आप लोग देख लीजिए इलाहाबाद का। तो मेरे पास वीडियो सारा है, तो इस बार बाढ़ आने की वजह से ना इतना दलदल हो गया हुआ था घाटों पर। तो देखिए फिर उसके बाद ये है हमारे यहाँ का, और ये भोर का सीन है, जब जाते हैं भोर में। तो मैं जल्दी नहीं गई थी, मैं 6 बजे के करीब में गई हुई थी। तो देख लीजिए कितनी भीड़ है, बैठ चुकी हूँ। और सुबह के टाइम में ना डिब्बा मिला, डिब्बे में 4-5 तरह की मिठाई और ये गुप्ता आंटी की बेटी अर्चना दीदी है, जिन्होंने हम लोग को इनवाइट किया था। तो फिर अभी देखिए आंटी नीचे चल रही है, रजस भेज जाते होते नहीं है, रजस भेज नहीं जाते हैं, क्या नहीं जाते तो देखिए लास्ट का है ये सब, पूरा सुबह सुबह का है। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं मेरे वीडियो को शेयर करिए। आप सब से लेती हूँ मैं अलविदा, बाय।